मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकता की मुहिम शुरू। 12 जून को विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ फूकेंगी बिगुल। क्या मोदी के हार का मंत्र बिहार से निकलेगा? नीतीश कुमार क्यों हराना चाहते हैं पीएम मोदी को? देश में विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाने लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति पर मंथन करने और निर्णय लेने के लिए विपक्षी दलों की 12 जून को पटना में बैठक है, जिसमें 18 से ज्यादा दलों के नेताओं के शिरकत करने की उम्मीद है। इस बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते आए हैं कि वे पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को हराना चाहते हैं। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है जिसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में भ्रमण करके हर राज्यों में जो भी एक विचारधारा की पार्टी है उन विचारधारा वाले पार्टियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को इसमें अब तक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और आज भी आपने देखा कि 21 विपक्ष पार्टियां एक साथ सांसद भवन के उद्घाटन समारोह में वह उपस्थित नहीं हुआ जिसका ये विरोध कर रहे हैं। तो एक देश के अंदर तत्काल आपको दिखाई दे रहा है कि 21 पार्टियां जो विपक्षी एकता के एक स्वरूप में बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से यह जो विपक्षी एकता की लामबंदी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, और जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का एक मॉडल बना है, उसी तरह देश के अंदर हम महागठबंधन का एक मॉडल हम बना रहे हैं। और जब हमारा पूरा खाका तैयार होगा, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और एक साथ 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के रथ को हम रोकेंगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगले महीने में पूरे विपक्षी दल के लोगों की एक बैठक होगी, और यह हम समझते हैं आदरणीय ममता बनर्जी जी ने मांग की थी कि यह जेपी की धरती रही है, यहाँ पर कई आंदोलन हुए हैं, यह वीरों की भूमि रही है, और नीतीश जी को उन्होंने जिम्मा सौंपा कि आप सारे विपक्षी दल के लोगों को आप बिहार बुलाइए, इकट्ठा करिए और सब विपक्षी एकता को एकजुट गोलबंदी करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग मुकाबला करें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण रूप से घबरा चुकी है, डरी हुई है, सहमी हुई है। उनको यह अंदेशा नहीं था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी पार्टियां की गुलबंदी देश के अंदर हो रही है। और आप देख लीजिएगा, जब हमारी सारे सरकारों से बात हो रही है, विभिन्न राज्यों में बात हो रही है, जब हम लोग एक तरह से गुलबंद होंगे, बिहार के अंदर मीटिंग होगी, तो बिहार देश की सरकार को परिवर्तन का एक सूत्रधार होगा। ये भ्रष्टाचारियों की एकता है, और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। आज भारत के तमाम उन माँ भारती के संतानों का, जिसका मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कठिन मेहनत, संघर्ष, त्याग, बलिदान के बदौलत राष्ट्र को विश्व के धरातल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उससे घबराए हुए इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के विकास के लिए, बिहार में नए टेक्नोलॉजी के लिए, बिहार में निवेशकों को लाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए करते सम्मेलन तो हम भी स्वागत करते, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की जमात को और देश के अंदर चुन चुन कर जो अकूत संपत्ति कमाया है, जो वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद की राजनीति स्थापित की है, ये लोकतंत्र की धरती को आप लज्जित और कलंकित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपको एलर्जी हो सकता है, लेकिन बिहार के जो लोकतंत्र की धरती, ये सांस्कृतिक विरासत जो गौरव प्रदान करता है, उसको क्यों लज्जित कर रहे हैं? यहाँ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। उस बैठक में बिहार के लिए जो भय का वातावरण बना है, निवेशक भाग रहे हैं,
लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात करते हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चालू हो गया। इस पर चर्चा करिएगा, है हिम्मत? जो बिहार नहीं संभाल सका वो देश संभालने की बात करता है। ये उन नेताओं के लिए जो दूसरे देश से इस बैठक में आने वाले हैं, उनसे भी बिहार की जनता प्रश्न करेगी। विपक्षी एकता की बैठक स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी वॉइस ऑफ अपोजिशन है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बैठक आहूत की गई है और यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना होगा।